अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सजाद अख्तर। तो तुसां इस वक्त की रही अपना फैमिली यूट्यूब चैनल अपनी धरती ए जे के। उम्मीद करना है अल्लाह ताला ने फजलो करम सब ठीक ठाक हो सो। दुआ गो रब्बुल आलमीन आलमीन अगर सो सब अगर अपनी जमान में रखन ते सेहत तो अफियत में रखन। मैं अज जा रहा अपने आप में एक बड़ी मशहूर शख्सियत, उसने अज ने डेरे जा रहे व्लॉग करने वास्ते। उम्मीद है कि तुसें गी बड़ा व्लॉग पसंद है सी। आओ चलने फिर उन्हें डेरे बाकी जो गल्लां उत्थै उन्होंने कोल बह गए सन। इंशाल्लाह सुने गल्लां जी। बनते भरावो, मैं इस वक्त बैठे हाँ चौधरी यसीन साहब ने डेरे पर। माशाल्लाह बड़ा सोहना तो बड़ा प्यारा डेरा बनाया इन्ह, तो बड़िया मंझिया छंझा रखी अला किस्म दियाँ, तो गाइया भी हैं बड़िया नस्ली को मंझ बकरियां भी रखी हैं। तो बड़ी रौनक मेला से डेरे पर अज तो दोस्तों यार डेरे बनने सो बने सब सजने। तो चौधरी साहब ने कोई सवाल सवाल कर सकते पूछ सकते डेरे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम चौधरी साहब, क्या हाल है, सेहत कैसी है तुसा जी? अल्लाह ने हुक्म मेरा ठीक हो। चौधरी साहब ये दसो भैया कि तुम्हें किस तरह ख्याल आया डेरा बनाने करने ना? ये वैसे तो अस आप घर एक दो त्रै मंजा बंदे रखने आए हैं, तो इस तरह इतनी ज्यादा मंजा रखने ना, किस तरह सुना ख्याल आया? जिमीदारे विच पहले ही असं जिमीदारा करने मजे शजा नहीं तो गावं दांदा नहीं तो असं शौक है ना। इस वास्ते बच्चे जवान हो गए तो ना कि मैं आख्या आओ दोस्तों डेरा बनाने रौनक मेला करना जिंदगी ने चार दिन गुजारने ते इस वास्ते जरा माल बच्छा रखे आ निके दो भी इन्होंने शुगर मेले च लगे हुए ना कोई चंकी तो ना माड़ी किसी नाल। इस वास्ते ये कि मजा अल्लाह के हुक्म नाल अच्छी नस्लियों बिच लभ गई। अच्छा कड़ी नस्लियाँ मजा रखी इसलिए असं कुछ देसी तो कुछ काड़े मंडी चू दो आदि एक गां मलो आंदी है कुंजा मंडी चू ते दो इतू डडियाल तो लिया साहिवाल ते माशाल्लाह इन्हों को दुध चौदह चौदह पंद्रह पंद्रह किलो है ते जड़ी कुंजा मंडी वाली उसने को अठारह तो भी किलो है ते ढाई लाख नहीं आंदी सी हूँ भी दस किलो दुध देंदी है ते इस ना छेवां महीना जांदा सी गबन है ते बाकी मंझां तुसां नहीं सारियां मिलनियां भी नस्लें मझां कुछ गबन ते पांच मिलती हैं ते दो सुबह शाम मोटरसाइकिल पर जाके बाजार गड्डी पर देश ने सही है। तो बाकी इतने कुछ अपने कि दुध शुद्ध चाहिए ना वह तो सुगी मिल सकना है जे कोई आई जाए इतने डेरे पर तो उसी खाली वापस को नहीं किता तो वैसे ज्यादा असाना जरा रूटीन ये है कि बाजार लगे आ दुध उन्होंने बारह महीने किसी करोने दही वाले ना रबता साढ़ा तो रुपयाल उठन लाल तो उस चीज वास्ते उन्होंने कि अस पक्का ही देंगे उन्होंने कि ज्यादातर दुध नहीं देंगे इतने भी दुध जो कोई आ जाए अच्छे देंगे कोई दो चार घर की बाकी ज्यादा अस बाजार चकसुआरी नारी रूटीन है। अच्छा ये दसो भैया कि असने तकने लिया कि तुम कि अगर बंद ने कुछ अक्सर ख्याल लवे कि साधारण डेरा बनाने करने वास्ते तो बुनियादी चीज़ा कि चीज़ों की जरूरत होनी है इस डेरा बनाने वास्ते? बुनियादी तो पहली तो गल है कि इसने आप खुद बंदा इसकी कम की समझ सके छड़ा अगर मुलाजम पर छोड़ो ना तो फिर असल कुछ नहीं आना कि मैं चौधरी बन के बह जाऊँ वो गल नहीं बनती समझ आवे आप है कि अगर मुलाजम छुट्टी पर जाए तो इन्ना कि आपू खुद बंदा चवाई कर सके वो बंदा शौक पूरा कर सकना इन्ना को फायदा उठा सकना तो जड़ा बंदा आप नहीं चवाई कर सकना उसने कोल जरा मुश्किल बन जाती है। तो बाकी इसने वास्ते तुसा मुट्ठी छुट्टी जी सुनी अपनी हुई जानी है या कि मुल भी खरीदने हो? असा इन्ना का ही दुध बेचते हैं निसब सानू बच जाता निसब बेखा जाते
इस वे असा जरा ना पछड़ भी हैन बिच डेढ़ लख ना साडा दुध जाला महीने ना पांच छे मंझा जड़िया नो गबन हो गई ते ओ जाहिर है उन्हां कोल शार्ट हो गया दुध ते वैसे रूटीन जी दुध का फायदा है ज्यादा मझा नालों ज्यादा है जड़ा ना गावों बिच क्योंकि इन्हां कोल गावों कोल दुध ज्यादा है। बाकी क्योशो भी बनाने हो कि सारा दही छोड़ने दुध अपनी जात वास्ते बनाने अपनी जात वास्ते घर भेजने चार पाँच किलो घर भेज देने कुछ जो चाह पका लेने जरूरत है तो थोड़ा बहुत अपना घ्यो बना लेने असी कुसै नहीं मताजी नहीं है सारा डेरे पर दोस्त यार वेली सजना आए गए लगे रहने सारा कुछ डेरे पर तो चलता ही है ना ये तो अपना सिलेंडर जो रखे आप बुला लेने ते ए जवान सना मुलाजम है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हमरा जी की हालत सुना ठीक हो जी अल्लाह का करम ठीक ठाक। अच्छा दसो तो संगी किस तरह शौक पे आए डेरे शेरा बनाने करन चौदह दिन ना पाया गया एक दिन मुड़े जवान होने ना जी डेरा बनाने आता है किस तरह ख्याल आएगा संगी इस पास आशनी ना जी जनाब बचपन से ही तकने आ रही हैं कि जनाब घर तो दो चार मंजा इन्हें रखी हैं इस वजह तो आस्ता आस्ता शौक पैदा हुआ इस वजह तो जनाब ये असा है चलो डेरा बनाई किन्ने घर दो चार मंजा रखने बेहतर है डेरा बनाई किन्ने ज़्यादा तादाद चलो बंदा जरा ना घर ना बाहर डेरा बहना साइड पर तो जरा ना बेहतर होना वै बंदा कारोबार फिर तंगी नहीं होनी वे इस वजह तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ना शुक्र है इस वजह तो कारोबार इजाफा हो रहा इंशाल्लाह जनाना मजीद भी शौक ही है कि अगर तादाद वदासा इन्होंने तो बाकी पट्टे शट्टे आपू कपी करने हो जी इंशाल्लाह मुलाजम भी जाना नाल दुध दे वापसी फिर नाल पट्ठे भी कपाई ना चवाई शवाई भी कराई ना अगर मुलाजम नहीं कोई मजबूरी बनी जाए कार जाई सकना कोई टेंशन परेशानी नहीं है चवाई में आपू कर सकना दो टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वो टेंशन परेशानी कोई नहीं है। तो बाकी इसलिए नीला पट्ठे पाने लगे हो या कि सुखी मुट्ठी छुटी दुई नाल पाने हो किताब इस्तेमाल वगैरह जनाब ये है कि सुना ये पट्ठा छट्ठा भी बने लेकिन दो टाइम बंडा लाजमी बने अगर जब पट्ठा खत्म होना ना इस वजह तो जरा ना फिर मंझन जनी ना ये नी खल बाड़े पर लगनी है क्योंकि जरा ना फिर वो नीले पट्ठे नहीं वजह तो जरा ना खल की तकनी है नहीं इस वजह तो जरा ना नाल थोड़ी थोड़ी जाग जी रखने तूड़ी भी पाने इस वजह तो जरा ना थोड़ा जरा उन्हें गेयर स्टीर है कि नाल बंडा खाने ने सही है। तो बाकी दोस्तों यार फिर उधर लगने रहने उस नशने जाने उस काफ़ी माशाल्लाह रौनक मिला तक सुने डेरे पर तो बड़ा चंगा लगा डेरा बड़ा माशाल्लाह बड़ा सोहना बड़ा प्यारा डेरा बनाया तुम अल्लाह ताला तुम और कामयाब करन और तुम कारोबार बरकत देन साड़ी दुआ है। तो बाकी और कुछ की कुछ कोई मशवरा देना चाहे हो कोई इस कारोबार से अच्छा चाहना है ये काम करना चाहना है तो क्या कोई मशवरा दे सो या जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ना कर मैं बंदा इस जे अगर ध्यान लाने नालों बेहतर है कि घर कारोबार है नग से ना चंकी ना मंदी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुकून भी है वह बंदा पंजे वक्त नमाज पढ़े अपना कारोबार कराए इसी कोई टेंशन परेशानी नहीं इसी बरकत ही बरकत है लेकिन बंदा जरा ना हाथ जोड़ के बह रसा वो फिर गल नहीं बननी रोजी कमाने लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह बंदा अपना हीला करे तो वसीला बनना वै। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमजा साहब तुसा ने जनाब चौधरी जाफर साहब ने छोटे साहबजादे सन हमजा तो उम्मीद है कि तुसा कि अज ने व्लॉग पसंद आया उसी तो अपने कमेंट्स जरूर करे जितने मेरे चैनल पर नए तकने ले हो उन्होंने रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करे वीडियो अच्छी लगे उसी लाइक करे कमेंट जरूर करे कि वीडियो उसी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नए व्लॉग दोबारा सुन मुलाकात होगी उसे तक अल्लाह हाफिज़।